हेलो नमस्ते नमस्कार चैनल स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो का थंबनेल देख के कुछ लोगों को गुस्सा आया होगा और कुछ लोगों ने वीडियो इसलिए क्लिक किया होगा कि वीडियो के अंदर जाते हैं और जानते हैं कि इस थंबनेल की, इस वीडियो की सच्चाई क्या है। तो थैंक यू सो मच यहां तक आने के लिए। इस वीडियो में मैं दो फिल्मों के बारे में बात करने वाला हूँ, कर्रा फिल्मों के बारे में ही, ऑब्वियसली मैं उसी के बारे में बात करूंगा। कल बात करेंगे किसी का भाई किसी की जान, जो कि तमिल फिल्म वीरम का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। बाद में उसको कन्नड़ा में भी बनाया गया और तेलुगु में भी बनाया गया, जिसमें तेलुगु में पवन कल्याण सर ने काम किया था, कन्नड़ा में दर्शन सर ने काम किया था। फिल्म ओडिया जो 2019 में रिलीज हुई थी, उसके बारे में कल बात करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना। आज इस वीडियो में हम दो कन्नड़ फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं, यश 19 जो कि रॉकिंग स्टार यश की 19th नंबर की फिल्म होगी, और कांतारा 2 जो कि फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है। जी हाँ, इस दोनों फिल्मों के बारे में आज इस वीडियो में बात होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म कांतारा 2 के बारे में। पिछले साल जब कांतारा 1 रिलीज हुई थी, फिल्म का बजट था सिर्फ 16 करोड़। 16 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 450 प्लस करोड़ का बिजनेस किया था। ये एक हाईली प्रॉफिटेबल फिल्म रही होम वाले फिल्म के लिए, और फिल्म के मेकर्स को एक आइडिया आया, स्पेशली जो इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर थे ऋषभ शेट्टी सर, उनके दिमाग में ये आइडिया आया उसी टाइम जब फिल्म बना रहे थे कि क्यों ना इसका एक प्रीक्वल बनाया जाए। अब वो आइडिया उसी टाइम उनके दिमाग में आया या फिल्म हिट होने के बाद आई है, तो खैर कोई मैटर ही नहीं करता है। आइडिया आया ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को उसी टाइम आइडिया आया दिमाग में, क्यों ना इसका ओरिजिनल रूट जो है वो दिखाया जाए, मतलब कहाँ से कहानी ओरिजिनल स्टार्ट होती है। तो कांतारा 2 जो होगी ना, वो प्रीक्वल हमें देखने को मिलेगा, मतलब कांतारा से पहले की स्टोरी, उसका ओरिजिन, उसका बेस, कहां से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, ये तो हमें हल्का हिंट देखने को मिला ही, लेकिन पूरा डिटेल में हमें कांतारा 2 में देखने को मिलेगा। जहां एक तरफ फिल्म 16 करोड़ के बजट में बनी थी, वहां पे सिर्फ ऋषभ शेट्टी सर को 2 करोड़ रुपए उन्होंने चार्ज किया था, क्योंकि फिल्म का स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा, फिल्म के लिए डायरेक्शन उन्होंने किया, फिल्म का जो है मेन लीड वो थे। सिर्फ 2 करोड़ रुपए उन्होंने चार्ज किया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 450 प्लस करोड़ का बिजनेस किया था। लेकिन अब जो कांतारा 2 पे वो काम कर रहे हैं, उसकी जो स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं उसके लिए, और फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए, और साथ ही एक्टिंग करने के लिए, खबर ये आ रही है कि उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए चार्ज किया है। कुछ कुछ न्यूज़ पोर्टल तो 100 करोड़ भी बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, 100 करोड़ का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और इतना अमाउंट कोई भी नहीं चार्ज करेगा, तो वो फॉल्स न्यूज़ है। लेकिन 50 करोड़ में बिल्कुल भी डाउट नहीं है, ये एक हकीकत है और बहुत जल्द इसका ऑफिशियल कन्फर्मेशन हमारे पास आ जाएगा। तो 50 करोड़ एक ऐसी फिल्म के लिए चार्ज करना जिसने 16 करोड़ के बजट में बन के और 450 करोड़ का कलेक्शन किया हो, 50 करोड़ कोई भी बड़ी रकम नहीं है अपने नेक्स्ट फिल्म के लिए, और उन्होंने चार्ज किया है तो वो डिजर्व करते हैं। अब बात करता हूं कि क्या होगा अगर ये फिल्म ऑडियंस को पसंद नहीं आई या मेकर्स वो ट्रीटमेंट, वो फ्लेवर नहीं दे पाए जो उन्होंने कांतारा 1 में दिया था, तो होगा क्या। कांतारा शूट हो रही थी, बन रही थी, तब किसी के दिमाग में ये भी आइडिया नहीं था ये फिल्म इतना बड़ा हिट हो जाएगी, और ना ही फिल्म का बजट को ज्यादा था। उनको पता था हम लोग 16 करोड़ निकाल रहे हैं, लगा रहे फिल्म में, तो आराम से फिल्म जो है 20 25 30 40 करोड़ कर्नाटका में ही हमारा वसूल के दे देगी, तो उनको टेंशन नहीं था। लेकिन अब जब फिल्म 450 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है, तो जब सेकेंड फिल्म रिलीज होगी तो उसका बजट कम से कम 100 से 150 करोड़ का होगा। अब 100 से 150 करोड़ रुपए लगाने का मतलब है कि फिल्म को 600-700 करोड़ का कलेक्शन करना होगा। फिल्म के फर्स्ट पार्ट को लेके जब देखें तो सेकेंड पार्ट को लेके एक हाइप जो है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन मैंने बोला माउथ पब्लिसिटी बहुत मायने रखती है। फिल्म कांतारा के लिए माउथ पब्लिसिटी ने काम किया था। फिल्म जब रिलीज हुई वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगे और खट से तुरंत ही उसको फिर हिंदी में और बाकी लैंग्वेज में रिलीज किया गया। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या फिल्म के मेकर्स पे ये प्रेशर तो नहीं आ रहा है कि उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार मैंने पहली फिल्म इतनी हिट दी, दूसरी फिल्म मेरे को इससे भी ज़्यादा हिट देनी है। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस प्रेशर जो होता है ना, वो अगर दिमाग पे हावी हो गया तो फिल्म का गुर गोबर होने से कोई भी नहीं बचाने वाला है, और 100-150 करोड़ आप लगा लो उससे कोई भी फायदा नहीं होगा अगर फिल्म में दम नहीं होगा। लेकिन मुझे ऋषभ शेट्टी सर पे बिल्कुल भरोसा है, उनके एक्टिंग पे, उनके डायरेक्शन पे, उनके राइटिंग पे, कि फिल्म जो है वो एक मास्टरपीस निकल के आएगी और फिल्म 600-700 करोड़ का, 1000 करोड़ का कलेक्शन करे, ये मेरी दिल से दुआ है। तो
तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी रॉकिंग स्टार यश की यश 19। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं नाथन सर, और नाथन सर का रिकॉर्ड जिस तरीके का है और रॉकिंग स्टार यश का जिस तरीके का स्टेटमेंट है, वो दोनों बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। नाथन सर ने फुल फ्लेज डायरेक्शन एक किया था अपनी फिल्म मुफ्ती का, जो 2017 में रिलीज हुई थी, जो एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी। उससे पहले एक फिल्म आई थी रिक्ता फिल्म में उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा था, वो एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। अब रॉकिंग स्टार यश का स्टेटमेंट सुन लो, उन्होंने बोला कि ये फिल्म बिल्कुल अलग होगी केजीएफ सीरीज से, मतलब इसमें ना एक्शन होगा ना इमोशन होगा। अब क्या होगा ये तो फिल्म जब अनाउंसमेंट होगा तभी पता चलेगा, लेकिन जैसा इनका इतिहास रहा है नाथन सर का, मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि आपने अभी फिलहाल फिल्म कब्जा के बारे में देखा बॉक्स ऑफिस पे उसका क्या हाल हुआ है। एक ऐसे डायरेक्टर को फिल्म थमा दिया गया जिसको एक्शन का कोई भी नॉलेज नहीं था, फिल्म का गुलगोबर कवारा कर दिया उन्होंने। अब नाथन सर के हाथों में जिम्मेदारी ये दी जा रही है, अभी फिल्म का शूट वूट कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्क्रिप्ट ही लॉक हुआ है सिर्फ, तो इस महीने एंड तक हमें इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा। तो क्या एक ऐसे डायरेक्टर के हाथ में फिल्म की कमान दे देना जिसको आप जो टॉपिक बोल रहे हो उसका कुछ भी आइडिया नहीं है, तो क्या ये सही होगा जब पूरे की पूरी आप इंडिया ही नहीं आउट ऑफ इंडिया भी आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, तो क्या आप पे जो प्रेशर है, जो आपने एक अपना इमेज बनाया है, कहीं वही हाल ना हो जाए जो रेबल स्टार प्रभास का हुआ फिल्म बाहुबली के बाद। अभी तक इतने धक्के लग रहे हैं उन्हें कि एक भी फिल्म उनकी चली नहीं है, चाहे बात कर लूँ मैं साहो की, या बात कर लूँ मैं कौन सी फिल्म आई थी राधे श्याम की, या अभी आदि पुरुष को लेकर भी मार्केट में किस तरीके की निगेटिव पब्लिसिटी है वो भी आपको पता ही होगा, कोई भी हाइप क्रिएट नहीं है उस फिल्म को लेकर। अभी उनका सिर्फ एक फिल्म जो है प्रोजेक्ट के या फिर सालार, उसी से उम्मीदें हैं, बाकी कोई भी फिल्म चली नहीं है, और आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में भी फिलहाल कोई आइडिया नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि रॉकिंग स्टार यश जो है उन्होंने स्क्रिप्ट अच्छी चुनी हो, और डायरेक्शन में उनको भी कुछ अपना ध्यान देना होगा, बिल्कुल डायरेक्टर के भरोसे पे उनको नहीं बैठना होगा, नहीं तो फिर क्या होगा इसका रिजल्ट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यही था इस वीडियो में, आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा, मेरा क्या नज़रिया रहा इन दोनों फिल्मों के लिए। मुझे पसंद है कन्नड़ फिल्में, लेकिन अभी जो बेइज्जती हुई फिल्म कब्जा के बाद उसको देख के थोड़ा सा बुरा लगता है। और भी बहुत सारी कन्नड़ लैंग्वेज की फिल्में हैं, जैसे केडी हो गई, उसके बाद मार्टिन हो गई, इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या मार्केट हाइप है हिंदी बेल्ट में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, जय हिंद।